होता, शुद्ध रूप से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा स्वरूप राजनीतिक है। इसलिए ये बातें आ रही। आप राम जी के अधूरे मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पहले राम नवमी के लिए भी बिना रुके 22 जनवरी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव ने, ये तारीख किस लिए चुनी गई? 22 जनवरी की तारीख, जिन कारणों से ये तारीख चुनी गई और जिस प्रकार से इसको किया जा रहा है उसकी आपत्ति है। राम जी को किसकी आपत्ति हो सकती है? पीसीसी यूपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।